नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महाराजा बिजली पासी किले के पास भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रदीप त्यागी एवं प्रदेश अध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव तथा अन्य किसानों की उपस्थिति में भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। धरने प्रदर्शन पर पुलिस प्रशासन और नगर निगम के आला अधिकारियों ने आश्वासन देकर के धरना समाप्त कराया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के लोगों का कहना है कि यदि उनकी मांगों को लेकर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर से धरना देंगे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं द खबरदार न्यूज की रिपोर्ट। तुम संघर्ष करो, रोहित श्रीवास्तव तुम संघर्ष करो, जानकारी न्याय है, जानकारी गुंडा है। भारतीय मजदूर किसान यूनियन राष्ट्रवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप त्यागी प्रदेश अध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव से मैं विकास का जो की हूँ राजधानी लखनऊ के किला चौराहे पे, यहाँ पे भारतीय किसान मजदूर यूनियन के लोग यहाँ पे दे रहे हैं धरना। तो आइए जानते हैं ये लोग किस लिए यहाँ पे धरना दे रहे हैं। यहाँ पे धरना इसलिए दे रहे हैं कि नगर निगम वाले पैसा खा के क्षेत्र में काम नहीं करा रहे हैं और जल भराव और डेंगू से लोग मर रहे हैं। जिन गरीब बच्चों के जो गरीब बच्चे मरे हैं उनके घर तक बिक गए, 3-4 लाख रुपए खर्च कर दिया, लेकिन नगर निगम या किसी अधिकारी ने झांकने की जरूरत नहीं। जब हम लोग ने वहाँ पे जाके उनके हक की लड़ाई लड़ी तो हम सब पे फर्जी मुकदमा दर्ज कर लिया। इन दोनों प्रकरण के खिलाफ है और साथ में M1 में रहने वाली गीतांजलि शर्मा जी के ऊपर शराब पी के शाम को 4 लड़के आक्रमण करते हैं, पुलिस वाले उनका कुछ नहीं करते शाम को। हाँ, और उसके बावजूद सबको मालूम है, 1 हफ्ता लग गया FIR लिखाने में और हम लोग के ऊपर फर्जी मुकदमा 1 घंटे में लिख गया। दीजिए, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आज भी SDM साहब आए, उन्होंने फिर जैसे हर बार होता रहा है ज्ञापन लिया है और कहा है कि हम जल्दी कार्रवाई करते हैं, तो ये आश्वासन देके गए हैं। लेकिन हम लोग 7 दिन पूरा क्षेत्र असंतुष्ट है इस बात से, किस तरीके से लोग मरेंगे। आप सोचिए, आज हम धरना दे दें चाहे अपनी जान दे दें, लेकिन जिसके घर के बच्चे मर गए हैं क्या उसको उसका फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा, सिर्फ इनकी गलतियों से। तो इस तरह का काम कर रहे हैं, इसी को लेकर दे गए हैं और लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह से यहाँ पे ये लोग धरना दे रहे हैं और यहाँ पे बूढ़ी महिलाएं और बुजुर्ग लोग भी हैं यहाँ पर और लगातार धरने में आए हुए हैं और इन्हीं लोगों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनके नाम FIR हुई थी, आइए बात करते हैं। आदित्य दीक्षित हमारा नाम है। 23 तारीख को हम लोगों ने नगर निगम से परेशान होकर लाइब्रेरी रोड पर धरना दिया था, जिसमें हम लोग ने बहुत शांतिपूर्वक धरना दिया था। 2 लोगों की वहाँ डेंगू से मौत हो गई थी, इसके विषय में हम लोग ने वहाँ पर धरना दिया था। प्रशासन द्वारा हम लोग पे 5 बार धाराएं लगाई गई, 200 लोगों के खिलाफ अज्ञात मुकदमा दर्ज किया गया। हम लोग ने कौन सी शांति भंग कर दी, हम लोग ने कौन सी सरकारी संपत्ति को बाधा डाल दी कि उन्होंने प्रशासन द्वारा हम लोग पे ये सब जुल्म करेंगे। उसी के विषय में आज हम लोग ने किला चौराहे पे धरना दिया, जिसमें प्रदेश के हर जिले के किसानों ने हम लोगों का साथ दिया, उसका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं भारतीय मजदूर किसान यूनियन राष्ट्रवादी का जिला प्रवक्ता भी हूँ और इसी के साथ आज SDM साहब ने हम लोग को आश्वासन दिया है अगर इस पर कार्रवाई होती है। आश्वासन दिया गया हम लोगों को ना, आश्वासन दिया गया अगर इस पर कार्रवाई होती है तो ठीक है, वरना फिर धरना। थैंक यू।